हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि भैया CA12 जो गोल्ड वाली सीरीज है यानी गोल्ड पैनल में जो आती है वो मैं दिखाइए, क्योंकि हमने यहां पे मुंबई एक्सपो में देखा था, तब से लेके अब तक जो है वो इसका इंटरनल पार्ट की क्वालिटी हमने नहीं देखा और यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी, पूरी डिटेल में वीडियो नहीं मिली। तो लीजिए दोस्तों ये आ जाती है पूरी डिटेल में वीडियो, अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे जो सीए सीरीज है उसकी डुप्लीकेसी बनी जा रही है, तो उसको देखते हुए मेरे को यहाँ पे लगा कि नहीं, आपको अब जो है वो दिखाना जरूरी है। और यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ दोस्तों ये CA12 गोल्ड सीरीज के अंदर। तो आज हम इसकी पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे, ओपन करके देखेंगे, अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, ओरिजिनल कैसे पहचान है वो भी दिखाऊंगा, कहाँ से अवेलेबल होगा वो भी करवाऊंगा। तो वीडियो ऑल अराउंड होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं और यहाँ पे ओरिजिनल साउंड स्टैंडर्ड को यानी हम सीए सीरीज के ओरिजिनल साउंड स्टैंडर्ड को कैसे पहचाने वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना इस अनबॉक्सिंग को, एक एक बारीकी तक डिटेल आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी सील्स को। तो यहाँ पे देखिए आप, साउंड स्टैंडर्ड तो मेंशन है, लेकिन उसके आगे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रो टेक मेंशन हो और कोई ना हो। साउंड स्टैंडर्ड के बाद प्रो टेक, यानी इंडिया में जो ऑन करता है साउंड स्टैंडर्ड को वो प्रो टेक करता है। तो उनकी सील पूरी बाकायदा, मतलब पूरी लग के आती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। आगे देख सकते हैं CA12 जैसे कि नॉर्मल वही लिखा हुआ है। अब ये जैसे कि मैंने बताया गोल्ड सीरीज है, तो CA12G भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो ये गोल्ड सीरीज के अंदर CA12 गोल्ड में आ गया। ऐसा लंबा वाला स्टिकर होगा यहाँ पे, इस बात का आपको ध्यान देना है, कोई और स्टिकर ना हो। स्कैन करेंगे तो ये नंबर भी आपको सेम वही मिलेगा ओरिजिनल के, हमारे CA12 के मॉडल में। अब यहाँ पे प्रोटेक के जितने भी ये मॉडल हैं उसके अंदर सारा अनबॉक्सिंग जो है वो सेम टू सेम ऐसे रहेगा। चलिए यहाँ से मैं इसको पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो ये तो एक ऊपर का बोर्ड हो गया। अब इसके अंदर भी आपको एक जो है वो पॉली बैग मिलता है कुछ इस टाइप का, जो कि पानी वानी हो गया तो उससे बचाने के लिए ये पॉली बैग को लगाया जाता है। अब ये अंदर सील होती है, ऑलरेडी खोला हुआ है, इस बात का आपको ध्यान दिखाना है। तो ये दूसरा बॉक्स हो जाता है, इसके अंदर सील्स होते हैं। पैकिंग आपको किस टाइप से मिलती है, अब ये देखिए ये पूरा ऊपर का बोर्ड होता है, इस पर ये थर्माकोल लगा हुआ रहता है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये ब्लू कलर का बोर्ड सा और थर्माकोल सा होता है और ये ब्लैक पन्नी में आता है, इस बात का आपको ध्यान देखना है। दोनों साइड जो है वो थर्माकोल की पैकिंग होती है, तो ये ब्लैक पन्नी में आता है। अभी मैं इसको निकाल के आपको थोड़ी सी चीज़ जो है वो दिखाई देता हूँ कि हमारा एम्पलीफायर ये आ जाता है, ये देख सकते हैं। तो गाइस इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ और उसके बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे हमें क्या क्या डिटेल्स जो है वो मिल जाती है। तो दोस्तों एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है, जो कि इसकी चैसी है ऊपर, यहाँ पे आपको साउंड स्टैंडर्ड जो है वो मेंशन रहेगा। साउंड स्टैंडर्ड ये हो जाता है, ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल पहचान के लिए ये चौड़ा वाला या लंबा वाला स्टिकर आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर साउंड स्टैंडर्ड प्रो टेक भी मेंशन रहेगा। तो ये CA12 यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब ये गोल्ड सीरीज है तो इसको गोल्ड सीरीज के अंदर यहाँ पे दे दिया गया है, तो CA12 बड़े बड़े अक्षरों में, जो कि आप इसके फ्रंट पैनल से ही देख के पहचान जाते कि ये CA सीरीज से रिलेटेड एम्पलीफायर है। अब यहीं अगर मैं बात करूं इसके चैनल 1 और चैनल 2 के नोब का, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके लेवल इंडिकेटर हो जाते हैं, पावर ऑन प्रोटेक्ट का और सिग्नल और लिमिटर चारों मिल जाते हैं आपको दोनों दोनों में सेपरेट। क्लास एच प्रोफेशनल एम्पलीफायर, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको मेंशन है इको गोल्ड सीरीज, अब डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोटेक, इस बात का आपको ध्यान देना। जो स्विच है दोस्तों वो यहाँ पे रहेगा, ये भी इस बात का आपको ध्यान है, वो साइड में रहता है कि आप बीच वाला ना सोच ले, इस बात का आपको ध्यान है। बाकी हैंडल्स हो जाते हैं इसके, अगर आप फ्लैट केस डालते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको जो वो होल देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये था इसका पूरा का पूरा फ्रंट लुक। बात करते हैं दोस्तों इसकी बैक लुक की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कि इसका बैक लुक जाता है, तो यहाँ पे आपको दो फैंस मिल जाते हैं ओरिजिनल एम्पलीफायर के अंदर, यानी सीए सीरीज में हमेशा आपको दो फैंस मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट के, यहाँ पे XLR मिल जाता है, बैलेंस इनपुट करेंगे बैलेंस ही आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये दोनों चैनल के लिए है सेपरेट सेपरेट। बात करते हैं यहाँ पे स्विचेस की, यानी ये मोड स्विचेस हो गए, सेंसिटिविटी हो गई, यहाँ पे हाई पास एंड लो पास का जो है स्विच है वो आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड एंड लिमिटर दोनों चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। बाकी BIS सर्टिफाइड जो मार्क होता है वो यहाँ पे मेंशन रहता है,
बाकी देख सकते हैं साउंड स्टैंड बाय प्रोटेक, यहाँ पे भी मेंशन है दोस्तों स्पीकॉन वन और स्पीकॉन टू आप देख सकते हैं। बाकी टर्मिनल सॉकेट्स दिए गए हैं, अगर आप स्पीकर्स का यूज ना करना चाहें तो आप इसमें टर्मिनल का यूज कर सकते हैं। ब्रिज मोड यूज कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप जो है वो हमेशा हमेशा टर्मिनल सॉकेट्स का ही यूज करें। बाकी ये फ्यूज हो जाता है दोस्तों, ये हो जाती है पावर कॉर्ड। पावर कॉर्ड के साथ में दोस्तों एक डिटेल मैं आपको और दे दूं, जो कि इसका जो प्लग है वो दोस्तों यहाँ पे इसके बॉक्स में ही इंक्लूड होता है, तो बॉक्स में ही आपको जो है वो इसका प्लग मिला करेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं एक और तरीका आपको ओरिजिनल कैसे पहचाने, तो दोस्तों साउंड स्टैंड का ओरिजिनल अगर पहचानना है तो आपको अपने एम्पलीफायर के उल्टे हाथ पे ये जो पंच है यानी SAESI लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो वो ओरिजिनल CA सीरीज होगी बाय प्रोटेक, इस बात का आपको ध्यान देना। तो ये चीज जो है वो एक बार आप एम्पलीफायर में भी चेक करिएगा या फिर ले रहे हो तो जरूर ये चेक करके लीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा हमारे एम्पलीफायर के फ्रंट एंड बैक पैनल, दोनों चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया कि आप यहाँ पे ओरिजिनल कैसे पहचाने, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसके बारे में और डिटेल, तो इसका जो इंटरनल पार्ट है वो आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। इंटरनल पार्ट में मैं कुछ चीजें जो है वो पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप जो इसको ओरिजिनल से कैसे पहचाने। तो अभी तो एम्पलीफायर खोल चुका हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको इंटरनल पार्ट की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ओपन करता हूँ हमारे एम्पलीफायर को, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि मैंने बताया साउंड स्टैंड इस पर भी मेंशन रहेगा। बैक साइड ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, साइड में रखते हैं हमारे इसको और ये कवर हो जाता है इसका ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। ट्रांसफॉर्मर का साइज आप देख सकते हैं, कॉपर का ट्रॉयडल ट्रांसफॉर्मर यूज करा गया है, इस पर ये कवर लगा के दिया गया है सेफ्टी के लिए। बात करते हैं मॉडल वन, मॉडल टू हो जाता है, पावर सप्लाई हो जाता है, बैक का साउंड कोड हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट का बोर्ड हो जाता है जिसपे स्विच रिले दोनों चीजें लगी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट करने वाली पॉइंट क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड स्टैंड में ब्लैक बोर्ड मिलता है, ये देखिए ये जो है ना ब्लैक बोर्ड आपको दिया गया है, पूरा प्रिंट जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड पे करा गया है, तो ब्लैक पीसीबी पूरा का पूरा है, ये भी ब्लैक रहेगा। पावर सप्लाई भी आप सब जगह देख लीजिए, मेरी नज़र जरूर मारी है कि पावर सप्लाई की जो है वो सारा ब्लैक पीसीबी पे ही करा गया है। ये वाला मॉडल भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको जो है ब्लैक पीसीबी भी देखने को मिलता है। फ्रंट वाला भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो ये आ जाता है फ्रंट वाला, तो ये फ्रंट वाला भी जो है वो ब्लैक पीसीबी पे ही करा जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल मेरा खोलने का मकसद यही था कि मैं आपको ये सारी डिटेल दे पाऊँ। और ये इसके दो फैंस हो जाते हैं, एक गेम फैन हो गया, एक ये वाला फैन हो गया। बाकी दोस्तों अंदर से क्वालिटी आपने देख ली है, तो मेरे को लगता है कि अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे कि V2 और इसके अंदर में कोई भी अंतर नहीं है, और हीट सिंक भी काफ़ी हैवी दी गई है इसके अंदर। बाकी दोस्तों ओवरऑल ये था इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, आई होप आपको पसंद में आया होगा। चलते हैं कुछ और डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, मुझे उम्मीद है पसंद आएगी। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने होंगे कि इसके इंटरनल पार्ट में यहाँ पे आपको जितनी भी पीसीबी है वो सारा का सारा ब्लैक कलर की पीसीबी भी देखने को मिलेगा, तो वो ओरिजिनल यहाँ पे CA12 का लगेगा, यानी साउंड स्टैंड का ओरिजिनल होगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो लाने का मेरा मकसद क्या था, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो एम्पलीफायर है वो CA सीरीज का गोल्ड एम्पलीफायर है। ये मैंने देखा था 2019 के पाम शो में, तो वहां पे जब मैंने देखा तो मेरे को भी लगा ये क्या नई चीज है, लेकिन जब मैंने कंपनी से खुद पर्सनली जाके बात करा तो उन्होंने बोला कि डुप्लीकेसी को हटाने के लिए, डुप्लीकेसी से बचने के लिए हमने जो है वो गोल्डन कर दिया है इसको। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको कोई भी एम्पलीफायर लें साउंड स्टैंड का, जो जो चीजें मैंने दिखाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट मैच होनी चाहिए, तभी वो ओरिजिनल कहलाएगा। बाकी दोस्तों ये V2 की तरह बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, जो कि ब्लू कलर का साउंड स्टैंड का ओरिजिनल आता है, बिल्कुल एक्जैक्टली इंटरनल पार्ट से बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। रही बात दोस्तों इसकी पावर रेटिंग और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है, फिर भी मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं। तो इसके जो 8 ओम्स की पर चैनल जो आउटपुट है वो 850 वाट है, 850 वाट। यहीं अगर मैं बात करूं 4 ओम्स अगर आप डबल 15 के टॉप चलाना चाहते हैं तो ये आपको 1250 वाट दे देता है। यहीं अगर आप इस पे 2 ओम्स पे रन करवाना चाहते हैं तो 1850 वाट और 1850 वाट आपको ये आउटपुट में दे देगा। बाकी दोस्तों यहीं अगर मैं बात करूं इसके ब्रिज मोड आउटपुट की, तो ये आपको दोनों चैनल को एक आउटपुट करके देता है, यानी 8 ओम्स पे अगर आप इसको ब्रिज मोड ऑपरेट करते हैं तो ये 2500 वाट देता है। यहीं अगर मैं बात करूं इसमें अगर आप 4 ओम्स पे भी चलाते हैं इसको ब्रिज मोड का यूज करके, तो आपको 3700 वाट निकाल के दे देगा। बाकी दोस्तों ओवरऑल सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, पावर रेटिंग से लेके आपको डैम्पिंग फैक्टर भी एक्जैक्टली सेम मिलती है। तो डैम्पिंग फैक्टर दोस्तों इसका 500 इसका जो है वो डैम्पिंग फैक्टर रखा गया है, वेट भी एक्जैक्टली बिल्कुल सेम है, डायमेंशन भी सेम दिया गया है। बाकी दोस्तों ये था सारी की सारी डिटेल हमारी इस एम्पलीफायर की, अभी हम चलते हैं इसको जो टेस्टिंग है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे वक्त आता है दोस्तों टेस्टिंग का, तो यहाँ पे दोस्तों टेस्टिंग के लिए मैं अपना एम्पलीफायर लगा चुका हूँ। अभी इस पर जैसे कि मैंने लोड है तो यहाँ पे 226 डाले हुए हैं, 600 वाट के हमने,
एक इसके अंदर है और 100 वाट्स की जो है वो एचएफ है, 1300 वाट के जो है वो टॉप बन रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये ज़रूर आपको दिखा देता हूँ। दो इनपुट हैं, 4-कोर वायर यूज़ करिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा सा दूरी मैंने रखा क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया साउंड क्लियरिटी वेरी बेस्ट, मतलब गुड क्वालिटी की है, स्टूडियो वाली रहती है। जैसे आप मिक्सर से प्रोसेस करेंगे वही आपको यहाँ पे ये सुनाएगा। तो मैं आपको इसलिए दूर कर रहा, थोड़ा सा स्टूडियो है और यहाँ पे जो छन के आती इसकी क्वालिटी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी मैं एम्पलीफायर ऑन करता हूँ और इसको तो यानी इसके जो अंदर का पार्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली वी थ्रू के ज़रा सेम है, अंदर रखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे हाफ ऑफ कर देता हूँ। सजेशन ये है कि आप इस पर हाफ ऑफ चलाइए इसको और बहुत अच्छा, मतलब ये जो मैं आपको सेटिंग्स दिया है ना, ये आई थिंक आप डीजे पे लाइव पे कहीं भी यूज़ करेंगे ऐसे ही यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे स्टूडियो छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिक्सर से सिंपल दो आउटपुट के एक्सलर में तो मज़ा आ जाता। फिलहाल मैं अभी ये चीज़ें, चलिए यहाँ पे मैं अभी सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ कैसे रहने वाली है टेस्टिंग, वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे में तो पसंद नहीं होगी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा। बात करते हैं कहां से अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये शो होगा आपको कॉन्टेक्ट नंबर, आप अपना यहां पे ऑर्डर दे सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है, आप अपना एड्रेस बताइए कि मुझे ये वाला जो है वो एम्पलीफायर परचेज करना है। आपको सिंपल वो बॉक्स है उसके ऊपर एक और पैकिंग करके दी जाएगी और आपको आपके नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट या कोरियर ऑफिस तक आपको ये एम्पलीफायर भेज दिया जाएगा। साउंड स्टैंड के और कौन से एम्पलीफायर को आपको अनबॉक्सिंग देखनी है नीचे कमेंट खुले हैं जरूर बता के जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।